मित्रा। आपके पति का नाम क्या है? राम बाबू कराटे। अच्छा जी, ये तो बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। हाँ बहुत प्रतिष्ठित थी, तब थी, अब तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लड़का भर्ती है। तो क्या होगा बेटे को? गिर से गिर गया ऑफिस से, काम वहाँ से गिर गया। अच्छा जी, तो आप सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आप खेलते खाना मांग कर लाई हैं, तो अब तो इस समय पे हमारे हालात अब भिखारी से भी ज्यादा है। सब ले लिया उसने, कुछ नहीं लिया। किसने ले लिया? देवर ने। क्यों? जब वो मरे ना तो लड़की साथ में देखी थी, लड़का 3 साल का था। कौन खत्म हुआ? आदमी खत्म हो गए मेरे। कौन? राम बाबू। अच्छा, तब लड़की साथ में रहती थी, लड़का 3 साल का था। अच्छा, जब सब ले लिया, कुछ नहीं दिया, घर से साल रख के निकाल दिया। अब काम कर पाले मैं। घर से निकाल दिया? हाँ। क्या काम करने लगे थे? मैं कौन? मैं हाँ हाँ मैं बर्तन मांजती थी, खाना बनाती थी। अच्छा, तो आपका तो इतना नाम है परिवार का। अब नहीं है, अब कुछ नहीं, अब तो भिखारी से भी ज्यादा हालत खराब है। फर्म चल रही है राम बाबू पराठे वाले के नाम से, तो उनसे आपको कोई फायदा नहीं मिलता? कोई फायदा नहीं, एक रुपए का भी फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये कहते मर गई, हमारे लिए अच्छा देखने भी कोई नहीं आता है? नहीं, ये कहते मर गई, हम जानते नहीं है। बहुत परेशानी हो रही होगी आपको? बहुत नहीं, बहुत ये साथ दे रहे मकान वाले के नाती दमा में। फिर आप क्या रह रही, कैसे रह रही? आप रह रहे कैसे रह रहे? बोलते थे भगवान गुजारा कर रहा था। कितने बच्चे हैं? एक लड़की एक लड़का। लड़की तो ससुराल, लड़का लड़का की तो लग गई है। अच्छा, इलाज के लिए भी सरकारी में करा रहे हैं आप? हाँ। खाना भी कैसी मांग? हाँ। बहुत दिक्कत तो होती है। हाँ। इतना कष्ट होता है आपको कि आपका इतना बड़ा परिवार होने के बाद इतना कष्ट उठा? बहुत कष्ट उठा रही मैं। अच्छा, तो भी ये इतना कर रहे हैं तो इतना सही हो रहा है, नहीं तो कोई नहीं था मेरा। बहुत दुखी होंगे आप? बहुत दुखी नहीं, कभी आपने सोचा था कि ऐसा दिन आपको देखने को मिलेगा? आँख से मोतिया बिंद दिखता नहीं है, एक आँख से। कभी आपने सोचा था ऐसा लगेगा? कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन मुझे देखने पड़ेंगे और मेरे बच्चे ऐसे परेशान हो जाएंगे। कितना नाम है आपका? आप तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरी सासू माँ है, उन्होंने इनको 3 साल रखा है, 3 साल से कोई किराया भी नहीं लिया है, और जो भी खाना पीना जो भी मदद होती है वो करती हैं लोग। और एक्चुअली क्या है, इनके बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ, पहले मालूम था क्या उनको? नहीं, पहले नहीं मालूम था, मालूम पड़ा। हाँ, क्या मालूम पड़ा? एक्चुअली क्या, आज ये मांगती हुई मतलब घर के सामने आई, तो सासू माँ ने देखा कि जी कैसे मतलब जी वहाँ पर रो रही थी मतलब, तो उन्होंने फिर एक कमरा दे दिया इनको, 3 साल से जो वहीं रह रही है गांधीनगर में। मालूम पड़ा बाद में? मालूम पड़ा मतलब। क्या मालूम पड़ा? कि जी राम बाबू पराठे वाले की बाइप है मतलब, तो हम भी शॉक्ड रह गए मतलब, बताओ इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी फर्म चल रही है उनकी मतलब। अब लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, तो हमने क्या है कोशिश करी, राम बाबू पराठे वालों को कॉल भी किया था, तो कुछ मेरी हेल्प हो जाए 10-20 हज़ार की मतलब, तो उन्होंने स्पष्ट मना किया मतलब, हम कोई मतलब हेल्प नहीं कर पाएंगे, हमने बहुत सारी मदद की, अब मतलब कोई हेल्प नहीं करेंगे, कोई नहीं आया मतलब। तो हमने कॉल भी किया उनको मतलब, जो सिकंदराबाद इनकी फर्म है। अच्छा, आप लोग देखभाल कर रहे हैं? हाँ, अभी जितना होता जितना कर रहे हैं, पैसा भी दिया है मैंने, आज ऑपरेशन ही होना है मैं, कोई नहीं करेगा तो हम तो मैंने चलो एक इंसानियत के नाते मतलब जो होगा वो करेंगे मतलब। अच्छा, आप इंसानियत धर्म निभा रहे हैं, लेकिन परिवार के लोग परिवार का धर्म निभा रहे हैं। देख लो मतलब, आप उनका खून भी होते हुए मतलब, वो नहीं अपने भतीजे का कुछ कर रहे हैं मतलब, अगर 10-20 हज़ार की मदद कर भी देते थोड़ा मतलब, आज ऑपरेशन भी होना है लड़के का मतलब। वैसे पूजा पाठ तो वो करते रहते हैं। कौन? गोपाल राम बाबू पराठे वाले। अब पता नहीं उनका, तो करोड़पति फर्म है मतलब, आज तीन चार फर्म तो आगरा में ही है, हर बंदा जानता है आगरा में, ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता है मतलब। अच्छा, तो उनको थोड़ा अपने परिवार के बारे में देखना चाहिए मतलब। और मैं तो आपके माध्यम से मतलब, भगवान से करते नहीं है अब ऐसे ही है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये और कहना चाहूंगा, जो भी मतलब इस पब्लिक को इसको देख रही है चैनल को मतलब, तो कोई मदद करना चाहे तो इनकी थोड़ी मदद करें, 1,000, 2,000, 6,000 जो भी देना चाहे मतलब, जिससे मतलब इनके लड़के का इलाज हो, अब सही हो जाए मतलब, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए मतलब।